हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट परमानेंटली। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक की सारी डाटा को, फोटो, वीडियो या फिर पोस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक को केवल कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि फेसबुक को कैसे टेम्पररी डीएक्टिवेट या फिर परमानेंटली डिलीट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने फोन की होम स्क्रीन पे हैं और फेसबुक को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं फेसबुक अकाउंट को। बड़ा ही सिंपल स्टेप है, यहाँ पे मैं जैसे आपको बताऊंगा सेम टू सेम आप फॉलो करते जाइएगा। इस तरह से जब फेसबुक ऐप ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स और यहाँ पे अब आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का सेम टू सेम ऑप्शन नहीं आ रहा है अगर आपके फेसबुक में तो फिर आप अपने फेसबुक को एक बार अपडेट कर लीजिएगा, फिर सेम टू सेम ऑप्शन आने लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पर्सनल डिटेल और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप अपना फेसबुक प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलता है डीएक्टिवेट और डिलीट का। तो अगर आप केवल फेसबुक को कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाद में फिर से मैं फेसबुक अकाउंट को रीएक्टिव करूंगा तो आप इस ऑप्शन के साथ आप आगे के स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर आप फेसबुक को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। यहाँ पे कोई आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक अकाउंट यूजफुल और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे डीएक्टिवेट का आपको ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फेसबुक को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और मैसेंजर को आप चाहें तो चालू रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड इन्फो पे, यहाँ पे आप क्लिक करके और अपनी फेसबुक की सारी डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे फोटो, वीडियो या फिर पोस्ट। यहाँ पे जैसे मेरे फेसबुक में दिखला रहा है कि 7 फोटो एंड 7 पोस्ट, 7 फोटो और 7 पोस्ट है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड इन्फो पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नीचे कंटिन्यू। डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको फेसबुक का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डाल के आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब आपको ऑप्शन आ गया कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद कंफर्म परमानेंटली डिलीट अकाउंट। अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डिलीट पे। यहाँ पे यहाँ से अब आप लॉग आउट हो जाते हैं और आपका फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप जैसे इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो एकदम से आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट नहीं होता है। इसका एक कंडीशन होता है कि जैसे आप डिलीट करते हैं आप फेसबुक से लॉग आउट हो जाते हैं और अगर आपको कभी लगता है कि मुझसे गलती से फेसबुक अकाउंट डिलीट हो गया है तो फिर से आप चाहें तो उसे 30 डेज के अंदर लॉग इन कर सकते हैं, वो फिर से रीएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाए तो इन सभी स्टेप को फॉलो करने के बाद जैसे ही आपका फेसबुक अकाउंट एक बार लॉग आउट हो जाए फिर आपको 30 दिन तक उसमें लॉग इन नहीं करना है, 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा।